फिल्म शुरू होती है, नॉर्वे के रोम्सडालिन के ऊबड़ खाबड़ परिदृश्य में टोबियास नाम का एक व्यक्ति रहता है। अपनी बेटी नोरा के साथ वह द ट्रोल पीक्स के रूप में जाने जाने वाले राजसी दृश्य को देखने के लिए यात्रा शुरू करता है। ये स्थान उन ट्रोलों का एक पौराणिक इतिहास रखता है जिन्होंने एक बार इन चोटियों के बीच एक भव्य शादी की योजना बनाई थी। हालांकि उनके उल्लास ने उन्हें ऊंचे पहाड़ों में बदल दिया जो समय के साथ जुड़े हुए थे। नोरा, जो कभी परीक्षाओं से मोहित हो गई थी, परिपक्व हो गई है और इस तरह की कहानियों में अपना विश्वास पीछे छोड़ गई है। ये परिवर्तन टोबियास को दुखी करता है, जो ये ज्ञान प्रदान करता है कि विश्वास धारणा के लिए एक पूर्व शर्त है। दो दशक बाद नोरा खुद को उत्तर पश्चिमी नॉर्वेजियन तटरेखा पर एक पुरातत्वविद के रूप में पाती है। साथ ही उत्साही लोगों के एक समूह के बीच वो प्राचीन कलाकृतियों की खोज में लगन से पृथ्वी की खुदाई करती है। उनके प्रयास के 6 महीने बाद उनकी प्रगति कम हो गई है, धन कम हो रहा है और बंद करने का विचार आ रहा है। फिर भी नोरा का संकल्प अडिग रहता है जो उसे जारी रखने के लिए प्रेरित करता है। एक विजयी क्षण तब आता है जब वो एक डायनासोर की खोपड़ी का पता लगाती है जो उसकी टीम के भीतर खुशी को प्रज्वलित करती है और एक उत्सव सभा को प्रेरित करती है। साथ ही डोवर पहाड़ों में एक दल ऊबड़ खाबड़ इलाकों से गुजरते हुए एक नई रेल पटरियों का निर्माण करने के लिए कड़ी मेहनत करता है। प्रकृति के संरक्षण की वकालत करने वालों से विरोध उत्पन्न होता है, लेकिन उनकी चिंताओं को काफी हद तक नजरअंदाज कर दिया जाता है। विस्फोटकों से युक्त खुदाई के दौरान पहाड़ के भीतर से एक जोरदार शोर निकलता है जिससे एक विनाशकारी पतन होता है। अराजकता के बीच सभी समय पर नहीं निकलते हैं। सेना हस्तक्षेप करती है, सिगरेट द्वारा संचालित कैमरों से लैस एक टोही विमान भेजती है। कब्जा की गई छवियों को प्रभावशाली हस्तियों के साथ साझा किया जाता है जो अंततः देश के नेता प्रधानमंत्री बैरेट तक पहुंचते हैं। बैरेट अपने सलाहकारों के साथ बैठक करती है, विघटनकारी शोर के बाद के दस्तावेजों की जांच करती है। एंड्रियास, उसके सहयोगियों में से एक, कल्पना को पैरों के निशान से मिलता जुलता समझता है, एक धारणा जिसे बैरेट खारिज करता है। वह एंड्रियास को समाचारों का प्रबंधन करने और वैज्ञानिकों की विशेषज्ञता प्राप्त करने का निर्देश देती है। इसके बाद नोरा को हेलीकॉप्टर के माध्यम से एक सैन्य अड्डे पर बुलाया जाता है जहां बैरेट और उच्च पदस्थ अधिकारी वैज्ञानिकों के साथ मिलते हैं। चर्चा पहाड़ के गिरने के कारण के इर्द गिर्द घूमती है। जीवाश्म विज्ञान में नोरा की विशेषज्ञता को संदेह का सामना करना पड़ता है क्योंकि प्रचलित धारणा यह है कि शोर भूवैज्ञानिक परिवर्तनों से उत्पन्न हुआ है। जमीन की दरारों और इंडेंटेशन की स्पष्ट छवियां प्रस्तुत की गई हैं। पैर के निशान से उनकी समानता को नोरा द्वारा नोट किया गया है, हालांकि काल्पनिक के रूप में खारिज कर दिया गया है। सिगरेट पतन के दौरान मौजूद एक गवाह से एक वीडियो खाते का पता लगाता है। जैसे ही फुटेज की सावधानी पूर्वक समीक्षा की जाती है, एक विशाल छाया के साथ एक जानवर जैसी ध्वनि प्रतिध्वनित होती है। ये रूप मानवीय लेकिन अपरंपरागत आसान व्याख्या की अवहेलना करता है। लेज्जा में एक बुजुर्ग विवाहित जोड़ा अपने कुत्ते के लगातार भौंकने से हैरान है। अचानक उनका घर हिलने लगता है और वे अपने तहखाने की ओर भागते हैं क्योंकि सब कुछ उखड़ जाता है और बिजली चली जाती है। जब कंपन बंद हो जाता है तो वे पाते हैं कि उनका घर नष्ट हो गया है, लेकिन उनके कुत्ते को कोई नुकसान नहीं हुआ है। इस बीच आधार पर नेता विशाल प्राणी पैरों के निशान के विचार को खारिज करते हैं। नोरा बहस करने के बजाय कार्रवाई करने का सुझाव देती हैं। प्रभावित होकर बैरेट नोरा को आधिकारिक वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त करता है और जांच करने के लिए उसे एंड्रियास के साथ जोड़ता है। रास्ते में एंड्रियास नोरा से पूछता है कि वह एक जीवाश्म विज्ञानी कैसे बन गई। वो प्रकृति के लिए अपने प्यार और भूमिगत राक्षसों को खोजने के अपने बचपन के सपने को साझा करती है। उसकी माँ की मृत्यु के बाद उसके पिता की वास्तविकता को कल्पना से अलग करने में असमर्थता के कारण वो टोबियास से अलग हो गई। एंड्रियास एक लेखक बनने की अपनी आकांक्षा और अलौकिक कारणों के बारे में अपने उत्साह को स्वीकार करते हैं। जब वे क्षतिग्रस्त परिदृश्य पर पहुंचते हैं तो नोरा रुक जाती है। सेना क्षेत्र को सुरक्षित करती है और कैप्टन क्रिस्टोफर उन्हें पहाड़ों की ओर जाने वाले रास्ते दिखाते हैं। नोरा उस बूढ़े जोड़े से सवाल करती है जिसने सूरज को अवरुद्ध करने वाली आकृति से एक उदास चिल्लाहट सुनी। नोरा क्षति की जांच करती है और एक अजीब गंध की पहचान करती है जिसे वो अति प्राकृतिक कहती है। यूवी प्रकाश कोई जैविक निशान नहीं दिखाता है, केवल पृथ्वी और पत्थर। वो सोचती है कि क्या प्राणी छलावरण कर सकता है और सिद्धांतों पर विचार करती है। नोरा क्रिस्टोफर और एंड्रियास को टोबियास के पास ले जाती है जो उनका बंदूक से स्वागत करता है। जब नोरा अपनी पहचान बताती है तो टोबियास उन्हें अंदर जाने देता है। वे उसके ट्रोल सिद्धांतों पर चर्चा करते हैं और सुराग की उम्मीद में नोरा उसे फुटेज दिखाती है। टोबियास का मानना है कि उनके सिद्धांत मान्य हैं
जो नॉर्वे के ईसाईकरण पर ट्रोल डीएनए के गायब होने को दोषी ठहराते हैं, वह जांच में शामिल हो जाता है। ट्रैक के अंत में टोबियास परिदृश्य में विसंगतियों को नोटिस करता है और नोरा के साथ रोमांच को याद करता है। वह उनके रिश्ते को लेकर सतर्क रहती है। अचानक एक तेज प्रकृति की गंध उनकी नाक तक पहुंच जाती है। उनके पीछे का पहाड़ जब अपनी आँख खोलता है तो आकाश अंधेरा हो जाता है। ये पता चला कि पिता और बेटी सही थे। प्राणी एक ट्रोल है। यह अपनी छलावरण क्षमता के कारण छिप सकता है, जिससे ये पहाड़ के हिस्से की तरह लगता है। इस वजह से परिदृश्य गलत लग रहा था। ट्रोल खड़ा हो जाता है, अपना बड़ा शरीर दिखाता है और उन पर गर्जना करता है। समूह भागने के लिए वापस हेलीकॉप्टर की ओर भागता है। वे अभी भी ट्रोल को फिल्माने का प्रबंधन करते हैं। जब आधार को वीडियो मिल जाता है तो वे सच्चाई से इनकार नहीं कर सकते। क्रिस्टोफर उन्हें अड्डे को सूचित करने के लिए अपने सैन्य शिविर में ले जाता है। नोरा पागल न लगने के लिए अज्ञात प्राणी का उपयोग करने की कोशिश करती है, लेकिन टोबियास रुक जाता है। उनका कहना है कि यह एक ट्रोल है जो पहाड़ों में निर्माण से परेशान हो गया। वह सोचता है कि निर्माण प्रकृति का अनादर करता है। नेताओं को लगता है कि वह पागल है और उसे बाहर निकाल देते हैं। अधिक समय के लिए नोरा की याचिका को भी नजरअंदाज कर दिया जाता है। वे सुरक्षा के बारे में चिंतित हैं, इसलिए वे एक सैन्य अभियान की योजना बनाते हैं। बाद में नोरा चीजों को बर्बाद करने के लिए अपने पिता पर बहुत नाराज हो जाती है। वह जाना चाहती है, लेकिन टोबियास ने अपना मन बदल लिया। वह बताते हैं कि यह कोई परी कथा नहीं है। ये ट्रोल सिर्फ हथियारों और धूप से डरने वाला नहीं है। ट्रोल डर गया है और अकेला है। हथियार इसे और क्रोधित कर देंगे। प्रकृति भी लड़ती है। नोरा मान जाती है और रहती है। उन्हें क्रिस्टोफर को अपने साथ ले जाने के लिए मनाने की जरूरत है। सबसे पहले क्रिस्टोफर मना कर देता है, लेकिन नोरा भीख मांगती है और अगर वे उसके आदेशों का पालन करते हैं तो वो उन्हें अपने हेलीकॉप्टर में ले जाने के लिए सहमत हो जाता है। जैसे ही सैन्य अभियान आता है, रात हाइडल के ऊपर गिरती है। ट्रोल का इंतजार करते हुए टोबियास और नोरा को पुरानी परी कथाएं याद आती हैं। वे मेकअप करते हैं। ट्रोल दिखाई देता है, लेकिन जब उसे एहसास होता है तो वो रुक जाता है। टोबियास की चेतावनियों के बावजूद सैनिक ट्रोल पर गोली चलाते हैं। जैसे टोबियास ने कहा, ट्रोल वापस लड़ता है। वे सभी भागते हैं क्योंकि ट्रोल चीजों को नष्ट कर देता है, यहाँ तक कि कैमरे भी। वे एक घायल सैनिक के साथ एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। ट्रोल सैनिक को खाने के लिए पकड़ लेता है क्योंकि उसमें खून की बदबू आती है। नोरा, एंड्रियास और क्रिस्टोफर भागना चाहते हैं, लेकिन टोबियास शांति से ट्रोल के पास जाता है। सभी को आश्चर्यचकित करते हुए ट्रोल सुनता है और शांति से जवाब देता है, लेकिन सभी सैनिकों को पता नहीं है। एक ट्रक फिर से ट्रोल पर गोली चलाता है। ट्रोल गलती से टोबियास को मार देता है क्योंकि यह जवाबी हमला करता है। नोरा अपने पिता के पास जाती है जो मर रहे हैं। टोबियास एक महल, एक राजा और एक घर के बारे में गिड़गिड़ाता है। वो उसे विश्वास करने के लिए याद रखने के लिए कहता है। आधार पर वापस नोरा एक समाधान खोजने और दर्द से खुद को विचलित करने के लिए टोबियास के शोध को देखती है। एंड्रियास और क्रिस्टोफर उसे देखने आते हैं। वे उसे बताते हैं कि वे अब ट्रोल को नहीं देख सकते हैं, लेकिन सेना हवा से हमला करने के लिए तैयार हो रही है। नोरा सोचती है कि यह हमला पहले की तरह होगा, इसलिए उन्हें एक अलग योजना की आवश्यकता है। पुरानी कहानियों में कहा गया है कि ट्रोल्स को धूप पसंद नहीं है, लेकिन ये ट्रोल दिन के उजाले में देखा गया है। एक और सुराग तब मिलता है जब टोबियास ने नॉर्वे के ईसाई बनने पर ट्रोलों को नष्ट करने की बात की थी। इससे नोरा को एक विचार आता है। वे बैरेट और अन्य लोगों से संपर्क करते हैं और बताते हैं कि जब वे घंटी बजने की आवाज़ सुनते थे तो ट्रोल चर्चों पर पत्थर फेंकते थे, इसलिए वे घंटी का उपयोग करने का निर्णय लेते हैं। नेता पहले तो सहमत नहीं होते हैं, लेकिन क्रिस्टोफर उन्हें याद दिलाता है कि कुछ और काम नहीं आया है। बैरेट अनिच्छा से योजना से सहमत हो जाता है। ट्रोल फिर से दिखाई देता है हंडफोसिन परिवार पार्क के करीब, जिससे दहशत फैलती है। लोग भागने लगते हैं, सिवाय एक छोटी लड़की के जो ट्रोल देखना चाहती है। क्रिस्टोफर और नोरा बड़ी बड़ी घंटियां लेकर हेलीकॉप्टर में पहुंचते हैं। वे ट्रोल को घंटी बजने से घेर लेते हैं और इससे ट्रोल के कानों में दर्द होता है, जैसा कि नोरा ने सोचा था। लेकिन ट्रोल वापस लड़ता है, हेलीकॉप्टरों को मारता है और उन्हें दुर्घटनाग्रस्त कर देता है। ट्रोल छोटी लड़की को गिरने वाले हेलीकॉप्टर से बचाता है, जिससे सभी हैरान रह जाते हैं। अब पूरी दुनिया राजधानी शहर की ओर जाने वाले ट्रोल के बारे में जानती है। हर जगह से खबरें इस घटना को कवर करती हैं और वीडियो सोशल मीडिया पर फैलते हैं। बेस पर वापस बैरेट गुस्से में है और नोरा की अनदेखी करता है। नोरा फिर से घंटी बजाने की कोशिश करने का सुझाव देती है, लेकिन बैरेट उसे बाहर निकाल देता है।
नोरा बाहर क्रिस्टोफर से मिलती है जो उसका समर्थन करता है। एक बैठक में सैन्य नेताओं ने बैरेट को खतरनाक मिसाइलों के बारे में बताया जो अभी तक स्वीकृत नहीं है। एंड्रियास असहमत होता है और उसे बाहर निकाल दिया जाता है। वो छोड़ देता है और नोरा के साथ ये कहते हुए जुड़ जाता है कि उन्हें शहर खाली करने की जरूरत है। बैरेट टीवी पर आपातकाल की स्थिति की घोषणा करता है, नागरिकों से बाहर निकलने में मदद करने के लिए कहता है। नोरा और एंड्रियास ट्रैफिक में फंस गए हैं। नोरा टोबियास के शोध को देखती है और उसे सिंडिंग और एक द्वारपाल मिलता है। एंड्रियास ने रिकॉर्ड सिंडिंग, लॉर्ड चैम्बरलेन और शाही महल का उल्लेख किया है। नोरा टोबियास को राजा, महल, घर का उल्लेख करते हुए याद करती है और फैसला करती है कि उन्हें शाही महल जाना चाहिए। सिंडिंग उन्हें अंदर जाने देती है, ये जानते हुए कि टोबियास आ सकता है। वो बताते हैं कि महल वहीं बनाया गया है जहां ट्रोल किंग रहते थे। नोरा और एंड्रियास को पता चलता है कि नॉर्वे के ईसाईकरण के दौरान ट्रोल मारे गए थे और शाही ट्रोल परिवार एक गुफा में फंस गया था। 12 साल पहले टोबियास ने एक चौंका देने वाली खोज की जिसने सिंडिंग को मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने वाले लोगों के लिए डिजाइन की गई सुविधा में भेजने के लिए प्रेरित किया। ये सब एक अच्छी तरह से रखे गए रहस्य को बनाए रखने के प्रयास में था। जबकि वह इस निर्णय पर पश्चाताप का अनुभव करता है, वह अपने विश्वास में दृढ़ रहता है कि यह कार्रवाई का सही तरीका था, जिससे नोरा काफी अप्रसन्न हो जाती है। फिर भी वर्तमान क्षण असहमति के लिए अनुकूल नहीं है। नोरा टोबियास की पसंद की वैधता को समझती है। महल में ट्रोल राजा की आसन वापसी के लिए उनका पूरा ध्यान और हस्तक्षेप आवश्यक है। कंकाल के अवशेषों की जांच के दौरान नोरा एक जिज्ञासु घटना का अवलोकन करती है। उसकी विशेष रोशनी हड्डियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। यह अवलोकन उन कहानियों की पुष्टि करता है जो सूरज की रोशनी के लिए ट्रोल की भेद्यता की बात करते हैं। जबकि वे पहले दिन के उजाले के दौरान ट्रोल का सामना कर चुके हैं, जीव बादलों और पहाड़ी इलाकों की उपस्थिति के कारण सीधे सूरज की रोशनी से बचने में कामयाब रहा है। एंड्रियास सूर्य में हेरफेर करने में असमर्थता व्यक्त करता है, लेकिन नोरा एक समाधान की कल्पना करती है। वो क्रिस्टोफर से उसकी सहायता लेने के लिए संपर्क करती है। उनकी भूमिका में एक अभिनव जाल स्थापित करना शामिल है, जबकि नोरा और एंड्रियास ट्रोल को इसकी ओर लुभाने का काम करते हैं। साथ ही ट्रोल शहर की ओर बढ़ता है। सेना के बार बार के हमले एक बार फिर अप्रभावी साबित होते हैं। एक महत्वपूर्ण कदम में बैरेट मिसाइलों को तैनात करने के लिए सहमत होता है। सिग्रिड नेतृत्व के बीच मिसाइल प्रक्षेपण की तैयारियों को समझता है और तुरंत एंड्रियास को सचेत करता है। प्रक्षेपण में देरी करने का एक साधन खोजने के लिए समय के खिलाफ एक दौड़ शुरू होती है। एंड्रियास सिग्रिड से प्रक्षेपण को रोकने के लिए सेना की प्रणाली में हैकिंग का प्रयास करने का अनुरोध करता है। क्रिस्टोफर शहर भर में अलार्म बजाता है, अपने साथियों को जाल को निष्पादित करने में सेना में शामिल होने के लिए रैली करता है। साइंडिंग एक बड़े ट्रक पर रखने के लिए ट्रोल की खोपड़ी में से एक की व्यवस्था करके योगदान देता है। नोरा और एंड्रियास शहर के चारों ओर एक कोर्स चार्ट करते हैं, कुशलता से महल से दूर ट्रोल का ध्यान भटकाते हैं। हालांकि सिगरेट को शुरुआती चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, वह अंततः सिस्टम तक पहुंचने में सफल हो जाती है, जिससे नोरा और एंड्रियास को कीमती समय मिलता है जिसकी उन्हें आवश्यकता होती है। जैसे ही ट्रोल पास आता है, वे ट्रक के बिस्तर पर रखी खोपड़ी का अनावरण करते हैं। अनुमानित रूप से ये कार्रवाई ट्रोल के रोष को उकसाती है, जिससे उन्हें उम्मीद के अनुसार उनका पीछा करने के लिए प्रेरित किया जाता है। नोरा क्रिस्टोफर को उनकी प्रगति से अवगत कराने के लिए उनसे संपर्क करती है और वह अपने साथियों को दृढ़ रहने के लिए प्रेरित करता है। ओस्लो की सड़कों के माध्यम से एक अराजक दौड़ के बाद नोरा और एंड्रियास अंततः राजमार्ग पर पहुंच जाते हैं। अफसोस की बात है कि वे अनजाने में खोपड़ी खो देते हैं, जिससे ट्रोल रुक जाता है और इसे पुनः प्राप्त कर लेता है, जिसके परिणामस्वरूप उसकी संतानों के लिए शोकपूर्ण रोना पड़ता है। इसके बाद ट्रोल का ध्यान अपने प्रतिबिंब की ओर जाता है, जिससे कांच टूट जाता है क्योंकि यह छवि के साथ बातचीत करने का प्रयास करता है। शोर से चौंककर ट्रोल गलती से खोपड़ी को गिरा देता है, जिससे वो टूट जाता है। गुस्से और पीड़ा से भरा हुआ ट्रोल घंटी बजाता है और अपना पीछा फिर से शुरू करता है। नोरा ट्रोल के विनाशकारी रास्ते से बचने की मूल रणनीति पर लौटती है। इस बीच आधार पर सिगरेट की हैकिंग गतिविधियों का पता चला है, जिससे सिस्टम को रिबूट करने के लिए उसके कंप्यूटर को जब्त कर लिया गया है। ट्रैप साइट पर पहुंचने पर नोरा और एंड्रियास ट्रक से उतरते हैं और ट्रोल को केंद्र की ओर ले जाते हैं, जहां सैनिक यूवी रोशनी को सक्रिय करते हैं जो प्राणी को नुकसान पहुंचाते हैं। मिसाइल ले जाने वाला एक विमान घटनास्थल के पास आता है, फिर भी पायलट नागरिकों की उपस्थिति के कारण हिचकिचाता है। बेस पर एक तीव्र विवाद सामने आता है, जिसमें सिगरेट अंततः ऑपरेशन को रोकने के लिए हस्तक्षेप करता है। बैरेट और उसके सहयोगी स्क्रीन पर ट्रोल के क्रमिक निधन के गवाह हैं
और क्रिस्टोफर के साथी इस जीत का जश्न मनाते हैं। खुशी के बावजूद नोरा को ट्रोल की पीड़ा को देखना मुश्किल लगता है और वह इसे छोड़ने की शक्ति को काट देती है। सैनिक एक अंतिम कार्य के लिए खुद को तैयार करते हैं, लेकिन नोरा हस्तक्षेप करती है। अपने पिता की याद दिलाते हुए नम्रता के साथ ट्रोल के पास जाती है और उसे पहाड़ों पर लौटने के लिए विनती करती है। ट्रोल उसके शब्दों पर विचार करता है, लेकिन इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर सके, सूरज उगता है और जब तक वह गायब नहीं हो जाता तब तक उसकी मौत हो जाती है। आगामी समारोहों के बीच एंड्रियास ने हास्यपूर्ण तरीके से घटनाओं के सम्मान में एक नए स्थल चिन्ह का नामकरण करने का सुझाव दिया। उपनाम टोबियास बोल्डर का प्रस्ताव रखा। बैरेट नोरा के अथक प्रयासों के लिए उनका आभार व्यक्त करने के लिए दृश्य पर आती है। एंड्रियास ने इस्तीफा देने और एक लेखक के रूप में अपना करियर बनाने के अपने इरादे की घोषणा की। वह डोवर के भीतर अन्य छिपे हुए जीवों की संभावना पर विचार करते हुए नोरा के साथ चला जाता है। पहाड़ों के भीतर चट्टानों के एक टीले के नीचे एक हलचल होती है।